सरकार की महिला सुरक्षा दावों की खुलती पोल। हालात ये है कि अपने ही घर पर नहीं सुरक्षित हैं महिलाएं, क्या इसी तरह समाज के अत्याचारों की भेंट चढ़ती रहेंगी महिलाएं। दरअसल सुल्तानपुर में आज पुरानी रंजिश में युवती को जिंदा जला देने का प्रयास किया गया। लड़की के हाथ पैर बांध कर उस पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी गई। आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गंभीर हालात में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं इसमें चौंकाने वाली बात तो ये है कि घटना के घंटों बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सवाल ये है कि आखिर सरकार कौन से महिला सुरक्षा के दावे करती है। दरअसल ये पूरा मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के तड्रसा मंजरे एंजर गांव का है। इसी गांव के रहने वाले प्रदीप सिंह का गांव के कुछ लोगों से जमीनी विवाद हो गया था, जिसमें एक लोगों की मौत हो गई थी, जिसके चलते संदीप जेल में बंद है। इस दौरान उनकी पत्नी उनसे जेल में मिलने के लिए अपने पति संदीप के पास जा रही थी। इसके साथ ही उनकी एक बेटी स्नातक की परीक्षा देने गई हुई थी। घर पर उनकी बड़ी बेटी अकेले ही रह रही थी, जिसके बाद वह घर के बाहर कुछ काम कर रही थी। इसी दरमियान पुरानी रंजिश में घात लगाए पारसौली के रहने वाले जयकरण महते सुभाष ने उसे पीछे से पकड़ लिया और मुंह और पैर बांध कर उस पर केरोसिन छिड़कना शुरू कर दिया। तो वही घटना को अंजाम देने के बाद ही हमलावर मौके से ही फरार हो गए। वही ये पूरा मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आते ही महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्या हुआ? नल पे रहने पानी भरा रहने, पीछे से जयकरण महंत थे सुभाष, तीनों जने आए के हमारा कपड़ा वहीं फैला रहा, वहीं से मुंह बांधे और पैर बांध के मिट्टी तेला रहे। ओकर बाद जो है की रहा जयकरण महंत थे सुभाष परसौली का है, दवाई लगाओ हमें जल्दी जल्द भाई। इनके घर कहाँ है? अरे हम प्रदीप सिंह उनके परसौली घर। सर अभी एक पेशेंट आपके पास आई थी श्रद्धा सिंह, तो उसकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, कितने परसेंट जली हुई है? कंडीशन उसकी मोर है, मोर देन 80% बर्न है उसकी। 80% जली हुई है। अच्छा, क्या उसके हाथ पैर बांधने के कई निशान था उसपे? जैसा कि उसने बताया, उसने खुद पेशेंट ने बताया है कि गांव की वो दो तीन लोगों ने उनको नाम भी बताया, मुझे याद नहीं, तीन नाम उन्होंने दिया था कि उन लोगों ने उसका हाथ पैर हाथ और मुँह भी पैर बांध के मिट्टी तेल डाल के चलाया था जी। क्या कंडीशन है फिलहाल, क्या कंडीशन है? कंडीशन तो इसकी पुअर है। पुअर कंडीशन जी। मैं यहाँ पे प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और इसको जिले के लिए रेफर किया गया है, मोस्ट प्रोबेबली इसको शायद लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। सुल्तानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।